आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में गाइस मैं आपको बताने वाला हूं एयरटेल थैंक्स ऐप से दिल्ली मेट्रो कार्ड का रिचार्ज कैसे करेंगे। और मैं आपको इस वीडियो में एकदम इजी तरीके बताने वाला हूं एयरटेल थैंक्स ऐप से मेट्रो कार्ड का रिचार्ज कैसे कर पाएंगे। अगर आपके पास भी दिल्ली मेट्रो का गाइस यहाँ पे मेट्रो कार्ड है और आपको उस कार्ड का रिचार्ज करवाना है वो भी एयरटेल थैंक्स ऐप से वो भी ऑनलाइन, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें जिसमें कि मैं आपको रिचार्ज करवाने का, रिचार्ज करने का पूरा प्रोसेस बताएंगे और मैं आपको अभी रिचार्ज करके भी दिखाऊंगा। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस यहाँ पे जब आप यहां पे दिल्ली मेट्रो का कार्ड ले रहे थे और आपके पास उस कार्ड में जो आपने मोबाइल नंबर दिया था उसी मोबाइल नंबर को डालकर एयरटेल थैंक्स ऐप को ओपन करेंगे तो यहीं पे आपको देखने को मिलेगा NCMC बैलेंस और यहीं पे आपको गाइस यहां पे दिल्ली मेट्रो का कार्ड दिखेगा। सिंपल आपको गाइस यहां पे माइनेज वाले सेक्शन में आना है। जैसे माइनेज वाले सेक्शन में आएंगे तो यहां पे आपको सिंपल यहां पे आपको फिर से यहां पे अगेन माइनेज दिखेगा तो आपको माइनेज वाले सेक्शन में जाना है। माइनेज वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपके सामने यहाँ पे दिखेगा, जैसे मेरे पास गाइस यहाँ पे देखेंगे 155 रुपये का बैलेंस भी मेरे पास अवेलेबल और यहाँ पे दिखेगा व्यू माइनेज। तो सिंपल आपको यहाँ पे व्यू माइनेज में आपको जाना है। जैसे व्यू माइनेज में जाएंगे तो मेरा गाइस यहाँ पे जो है दिल्ली मेट्रो कार्ड का नंबर दिखेगा और यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे 155 रुपये का बैलेंस अवेलेबल है। तो अब इसमें गाइस आपको रिचार्ज कैसे करना है आइए इस वीडियो में जानते हैं। आपको यहाँ पे नीचे में टॉपअप बैलेंस देख सकते हैं, व्यू स्टेटमेंट देख सकते हैं और गाइस यहाँ पे अगर आपको कार्ड को ब्लॉक करना है तो वो भी कर पाएंगे। लेकिन मुझे तो रिचार्ज करना, सिंपल यहाँ पे दिखेगा ऐड मनी, तो सिंपल यहाँ पे ऐड मनी वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे ऐड मनी में जाकर सिंपल यहाँ पे अमाउंट को डालेंगे। तो आप गाइस यहाँ पे मिनिमम इसमें आपको 100 रुपीज का रिचार्ज करना होगा, उससे कम का ऑप्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम 100 रुपीज। तो मैं सिंपल यहाँ पे जो है 100 रुपये में गाइस यहाँ पे एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे आपको प्रोसीड वाले सेक्शन में एंटर करना है। जैसे यहाँ पे प्रोसीड करेंगे तो आपका गाइस यहाँ पे पेमेंट वाला पेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे मेरा पेमेंट वाला पेज आ गया तो मैं सिंपल यहाँ पे फ़ोनपे को मैं सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे वाले सेक्शन में जाता हूँ। और जैसे मैं गाइस यहाँ पे वाले सेक्शन में जाऊँगा और मेरा यहाँ पे बस फ़ोनपे जो है ओपन यहाँ पे होने वाला है और यहाँ पे मैं बस जाकर फ़ोनपे में अपना UPI पिन को डालकर पेमेंट मैं कर दूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने गाइस यहाँ पे पेमेंट कर दिया लेकिन गाइस यहाँ पे मेरा गाइस यहाँ पे टेक्निकल इशू आ गया। जो भी आपने देखा कि मैं गाइस यहाँ पे रिचार्ज करने की मैं गाइस यहाँ पे कोशिश किया लेकिन मेरा यहाँ पे टेक्निकल एरर आ गया। तो बस मैं गाइस यहाँ पे अगर मैं गाइस यहाँ पे पेमेंट करने की कोशिश करता हूँ अनदर ऐप से। क्योंकि इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, वीडियो स्किप करेंगे तो आपको फिर गाइस यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। तो मैं गाइस यहाँ पे देखिए इस प्रकार से मैं गाइस यहाँ पे पेमेंट में गाइस यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे गाइस यहाँ पे मेरा फिर से गाइस यहाँ पे पेमेंट नहीं हो रहा है लेकिन आपको गाइस करना कुछ नहीं है। आप गाइस यहाँ पे पेमेंट करेंगे तो आपका एक ही बार में गाइस यहाँ पे पेमेंट हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और जो भी आपके पास बैलेंस होगा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फिर आपको जो है कोई भी मेट्रो स्टेशन में जाकर अपने कार्ड को टॉपअप करना होगा। कार्ड टॉपअप करेंगे उसके बाद जो है आप फिर जो है आप दिल्ली मेट्रो कार्ड का यूज कर पाएंगे। तो आपको कार्ड को टॉपअप करना अनिवार्य है, नहीं तो आप गाइस यहाँ पे दिल्ली मेट्रो कार्ड का आपका बैलेंस यूज नहीं होगा। तो कुछ इस प्रकार से आप एयरटेल थैंक्स ऐप से जो है दिल्ली मेट्रो कार्ड का रिचार्ज कर पाएंगे। यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को भी समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।